इन दिनों भदोही जनपद के शहर से लेकर ग्रामीण अंचल तक ग्रामवासी महिला व पुरुष अपने अपने गांव के डी बाबा और गांव के शीतला भगवती चौरा माता के दरबार में काफी जोरों शोरों से जल पूजा हवन आदि जोरों पर किया जा रहा है। कोरोना से बचने के लिए जहां सरकार की हर सुख सुविधाएं फेल हो गई हैं, वहीं पर जनपद भदोही के ग्रामवासी भगवान भरोसे जिंदगी को देख अपने गांव के देवी देवताओं पर पूजा अर्चना हवन कर कोरोना से बचने के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण आज भदोही विकास खंड के लाठिया गांव में गांव के डी बाबा और चौरा माता के यहां जल पूजन हवन हलवा पूड़ी कड़ाही आदि चढ़ाकर पूजन अर्चना करते देखा गया। भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष पूजा करते देखे जा रहे हैं। 24 आवर्स टुडे न्यूज टीवी चैनल के रिपोर्टर धनंजय राय द्वारा आज मौके पर पहुंचने पर लठिया गांव के समाज सेवक अशोक चौहान ने बताया कि कोरोना महामारी से गांव की समस्या काफी जटिल हो गई है। कोरोना से काफी दहशत है। इस बाबत हमारी लठिया गांव की माताएं एवं बहनें एवं पुरुष भारी संख्या में काफी दिनों से गांव के डी बाबा और माता चौरा देवी के स्थान पर हलवा पूरी कड़ाही सहित देवी धार हाथ आदि पूजन अर्चना जोरों से कोरोना से बचने के लिए किया जा रहा है। सरकार से कोई सुख सुविधा हमारे लठिया ग्राम को नहीं मिला है। अब हमारा गांव भगवान भरोसे देवी देवताओं पर निर्भर है। उन्हीं के आशीर्वाद से हम लोग सुरक्षित हैं और हम लोग सब मिल कर के पूजा अर्चना कर रहे हैं कोरोना से बचने के लिए। श्री अशोक चौहान ने कहा कि हम ग्राम सभा लठिया ग्राम वासियों के लिए हमेशा गांव के लोगों के बीच सुख दुख में हमेशा आगे रहा हूं और अपने जीवन भर ग्राम वासियों का सेवा करता रहूंगा और उनके सुख दुख में हमेशा भागीदारी निभाता रहूंगा। श्री चौहान ने अपने गाँव के डीह बाबा व गांव के शीतला भगवती चौरा माता से लठिया ग्राम वासियों को सही सलामत रखने का पूजा अर्चना कर आशीर्वाद मांगा है। चौरी क्षेत्र के लठिया ग्राम सभा डी बाबा मंदिर धाम पर आज महिलाएं पूजा पाठ कर रही हैं कोरोना को जो है रोकथाम के लिए। आइए जानकारी लेते हैं, क्या नाम है माता जी आपका? आज कोरोना के लेकर के आप पूजा पाठ करें, क्या आस्था है आपका माता जी? क्या नाम है आपका? पूजा पाठ आज आप लोग कर रही हैं, कितने दिनों से कर रही हैं पूजा? एक ही दिन से। क्या मांगी है जो है डी बाबा से आज? शांति के लिए मांगी है। क्या प्रशासन मतलब यहाँ आप लोगों को ध्यान नहीं दे रही है? भाभी जी क्या नाम है आपका? पुष्पा देवी। कोरोना के देखते हुए आप लोग जो है कितने दिनों से पूजा कर रही हैं? 21 दिन से पूजा कर रही हैं। क्या मांगा है भगवान से आप? हम लोग मांगे हैं कि पूरा अपना यूपी सुखी समृद्ध, पूरी समृद्धि में परिवार के लिए, सब परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, हमारे जिले के लिए, सब सुखी रहे, सुखी रहे। कितने दिनों से कर रही हैं आप? 21 दिन से। क्या पूरा ग्राम सभा लठिया पूरे लोग हैं? हाँ, पूरा 21 दिन से पूजा कर रही हैं। 21 दिन से जल बराबर डेली जो है आज क्या जो है समाप्ति है? समाप्ति है डी बाबा के लिए, यहाँ कढ़ाई चढ़ाई है सब लोग, उनके शांति के लिए, उनके अच्छा के लिए सब आज समाप्त हो गई। आज समाप्ति है महामारी को भी चढ़ी। जी जी से करो। क्या नाम है आपका? आज जो है आज पूजा आप कर रही हैं जी बाबा? जो बीमारी फैला है उसी का हम कितने दिनों से? क्या आप भरोसा है डी बाबा पे जो है मतलब? हाँ बहुत, जो भी सरकार से नहीं है? नहीं सरकारों से नहीं है, ये नहीं सरकार की है तो डी बाबा की नहीं है? नहीं डी बाबा पर है, सरकार से नहीं हुआ है। सरकार से नहीं है ना? अच्छा अच्छा। कितने दिन से कर रही हैं? 8 दिनों से कर रहे हैं। आज क्या समाप्ति पे है? हाँ, परिवार को लेकर के जो है आज पूजा किया जा रहा है? नहीं परिवार को लेकर के आप कर रही हैं? परिवार के लिए? हाँ परिवार के लिए। तब तो बने रहिए 24 आवर्स टुडे न्यूज के प्रेस रिपोर्टर धनंजय राय के साथ। नमस्कार।
अरे नहीं।